कुछ दिनों पहले जब शो में जय भानुशाली ने गाली दी थी, तब जो है शेफाली जरीवाला ने एक ट्वीट किया था। शेफाली ने लिखा था, शेम ऑन यू जय भानुशाली, इफ यू क्लेम टू बी अ बिगर सेलिब्रिटी आई एक्सपेक्ट यू टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली। जिस पर माही विज ने कड़ा जवाब दे दिया था कि तुमने अपने सीजन में क्या किया पहले वो देख लेना। अब शेफाली के सपोर्ट में पारस छाबड़ा आगे आए हैं और पारस ने लिखा, यू आर राइट शेफाली जरीवाला, अब इनको कर्मा मिलेगा, पीछे से बहुत भौंके हैं ये बिग बॉस 13 के टाइम, अब इनकी असलियत दिख रही है, अब पीछे से बैठ के कोई भी क्लैरिफिकेशन देते रहे, पैन इंडिया इनके अंदर का गंद देख रहा है जो बिग बॉस में फूट फूट कर बाहर आ रहा है। तो आपको याद होगा जब बिग बॉस 13 में पारस माहिरा थे तब जय ने भी घर के अंदर की गालियों को लेकर आवाज़ जो है उठाई थी, लेकिन अब जो है जब जय ने गाली दी और शेफाली ने बोला तो माही को ये बात बुरी लगी और उन्होंने कहा कि तुमने अपने सीजन में क्या किया है। लेकिन अब पारस ने साथ दिया है शेफाली जरीवाला का और बताया है कि अब जो है इनकी गंदगी बाहर आ रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा, गंदी सी सूरत मुंह पे माँ की गाली, कर्मा मिले आय हाय वाय वाय। तो ये गाना जो है उन्होंने फॉर्मेट करके किया, कुछ कॉस कुत्ते भौंके बिग बॉस 13 के टाइम और अब दानवीन, ऐसा लिखा है आय हाय। तो यहाँ पे उन्होंने जय का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा जो है पारस का वो जय की तरफ ही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपना सीजन तो अपना ही था। शेफाली को रिप्लाई करते हुए लिखा, बिग बॉस 13 से बेटर कुछ नहीं है, अभी भी दिल वही है। तो एक बात तो तय है कि जय के गाली देने पर जब शेफाली जरीवाला ने इस बात को लिखा तो माही ने शेफाली को जवाब दिया, लेकिन अब पारस ने शेफाली का साथ दिया है और कहा है कि बिल्कुल सही कहा है तुमने, बिग बॉस 13 के समय तो बहुत कुछ बोला था, अब खुद जब घर के अंदर गए हैं ना तब देखना होगा, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं वो सब कोई जो है देख रहा है, जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है, जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है ये कर रहे हैं।